to my channel. My name is Sapna. So friends, today I am going to react on Srikanth official trailer. जो कि राजकुमार राव सर का अपकमिंग मूवी है एंड जिसमें ज्योति का है, अलाया है एंड देखते हैं किस तरह का ये ट्रेलर होगा. सुनने में आ रहा है कि जो श्रीकांत मूवी है ये कहीं ना कहीं सच्ची घटना, मतलब बोलते हैं ट्रू इवेंट्स पे है. तो देखते हैं किस तरह का ट्रेलर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ. थैंक यू. हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर. थैंक यू. नाइस. हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स. थैंक यू सर. हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ. थैंक यू सर. इनका अलग ही है. व्हाट इज योर नेम यंग मैन? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला. शुरू किया था. हाँ तो भाग जाता ना वहाँ से. कहाँ भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ. लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे. उसने कहा एंड आवर न्यू हेड बॉय इज श्रीकांत. 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए थे. श्रीका एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, मान नहीं रहे कॉलेज वाले. पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है. मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए. इसीलिए केस करना है. किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर. सर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा. सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा. पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए. tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. sec square. इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है. तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत. तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT सबके बारे में पता है मुझे. सर, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रैवल अलोन इन द फ्लाइट. आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा MIT में एडमिशन हुआ है. आई कैन नॉट लेट यू फ्लाई अलोन. सर आई नीड यू, ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प. एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी. सर आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं. मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना. समवन प्लीज हेल्प मी. लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने. मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है. हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे. और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है. कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है. बेचारा इतना बुरा हुआ इसके साथ. कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है. आप हमारे चक्कर में मत फंसना. आपको बेच के कहाँ जाएंगे? लाभ से लाना जबरदस्त. आ रहा है सब. क्या के मदद करो. पैसे दे रहे हो? मुझे दो. इसे हम जॉब देंगे. क्या बात है यार, जबरदस्त लगा है ट्रेलर. 10 मई को मूवी आ जाएगी एंड जिस तरह से, मतलब इसमें वो देख नहीं सकते हैं एंड जिस तरह से कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, वो एक अलग ही लेवल का था. मतलब मूवी जहाँ तक मुझे मालूम है सच्ची घटना पे आधारित है, ट्रू इवेंट पे आधारित है एंड जिस तरह से उनके डायलॉग्स थे, द लास्ट डायलॉग वॉज सुपर, बहुत ही बढ़िया था वो डायलॉग. एंड जिस तरह से मतलब वो एक म्यूजिक में ना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वही बहुत जबरदस्त लग रहा था कि 10 मई को मूवी आ जाएगी. वेरी यू नो एक्साइटेड. जब भी मूवी आ जाएगी तो मैं देखूंगी जो, क्योंकि राजकुमार राव सर की मैंने एक भी मूवी मिस नहीं की है एंड मुझे उनकी सारी मूवी अच्छी लग रही है एंड इवन मैं अभी भी वेट कर रही थी 2 आने का. सो वेल, ये वाला ट्रेलर तो बहुत ही जबरदस्त था. कैसा लगा आपको सर मेरा रिएक्शन? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.